हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएच गुरुजी। एक प्रश्न सीखा आईए के रिगार्डिंग एक ऐसा है जो बहुत बार मेरे से पूछ लिया लड़कों ने और बहुत सी बार कमेंट में भी किया है। उसका आंसर मैं दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा डाउट इस प्रश्न में हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रश्न को आपको एक बार एज इट इज बोर्ड पे करके दिखा दिया जाए। हालांकि बोर्ड हमारा कितना बड़ा है आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा बोर्ड है, तो वहां से हम यहाँ से करेंगे। दोस्तों, दो तरीके से ये प्रश्न होगा, ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इस टाइप के प्रश्न आएंगे, कंफर्म है ये, आईए में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। सी का ये प्रश्न ऑपरेटर से रिलेटेड है, जो कि कंफ्यूज करने में बहुत ज्यादा माहिर है, ये प्रकार का प्रश्न है। आप यहाँ पे देखें कि आप लिखा है प्रोग्राम एज स्टार्ट, मैंने आपको सी पढ़ा तो बताया था इन दो चिन्ह के बीच में पूरा अपना प्रोग्राम चलता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहां से ब्रैकेट खत्म हुआ। अब होता क्या है, दे रखा है आई इंटीग्रल, आप देखें इंट बराबर ए बराबर 5 दे रखा है, बी बराबर 7 दे रखा है। आप देख सकते हैं ए बराबर 5 दिया हुआ है वैल्यू अपने पास, बी बराबर 7 दिया हुआ है। अब यहां जैसे दो कंडीशन यहां पे दी हुई, एक तो इफ और एक एल्स। यहां पे दे रखा है इफ ए बराबर बी, इतना ज्यादा टिपिकल ये प्रश्न नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूज करेगा। दो तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे, एक तरीका जो लगाया हुआ है वो गलत तरीका है, उसी से ज्यादा लड़के सोल्व कर रहे हैं। जितने भी लड़के मेरे पास ऑफलाइन भी आते हैं, उन्होंने सबने गलत तरीके से इसको सोल्व किया, इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन को करना। यहाँ पर इफ ए बराबर बी दे रखा है, फिर प्रिंट करवाना है अपने को गुड इवनिंग, यहाँ पे गुड इवनिंग लिखा हुआ है, और एल्स में इन्होंने प्रिंट कराया हुआ है गुड मॉर्निंग। अब इसका आउटपुट पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब आप सबसे पहले ये देखिए, ये प्रश्न स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। यहाँ पर इंट में अपने पास दो वैल्यू दे रखी, ए बराबर 5 और बी बराबर 7। If A बराबर B ये कंडीशन है, अगर ऐसा होता है तो प्रिंट गुड इवनिंग होगा, और ऐसा कंडीशन नहीं होता तो प्रिंट जो होगा वो गुड मॉर्निंग होगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सर इसका प्रिंट, इसके दो आंसर बन रहे हैं। ज्यादातर जितने स्टूडेंट मेरे पास आए इस क्वेश्चन को लेकर के, उन्होंने दो आंसर निकाले। पहला आंसर इन्होंने निकाला है सर, इसमें जो आपका जो है गुड मॉर्निंग उन्होंने प्रिंट करा रखा है। क्या प्रिंट करा रखा है? गुड मॉर्निंग MRG, यहां पर देख लीजिए। और दूसरा आंसर उन्होंने दे रखा है वो है एरर। अब इनमें से एक आंसर यहां पर सही होगा, आपके भी ये प्रश्न होगा तो आपका भी इसमें ये आंसर निकलेगा कि किस प्रकार से दे। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं दोस्तों। दिखने में प्रश्न बहुत इजी लग रहा है भी इजी, इतना कोई ठप नहीं है, लेकिन एक तरीके से गलत करते हैं। अभी आप यहां पर देखेंगे तो ये प्रोग्राम स्टार्ट है। अब इंट बराबर दे रखे हैं अपन को, इंट यहां पर दे रखे हैं, यहां देखिए आप इंट ए बराबर 5 दे रखा है और बी बराबर कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। अब जैसे ही अपन कंडीशन लगाते थे इफ, इफ पे देखे ए बराबर बी दे रखा है, ए बराबर बी है, तो यहां पे आप देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू क्या है? 7। ठीक है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 दे रखी है, तो ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इफ वाली कंडीशन में प्रिंट होना ही है। अब ये बराबर ही नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो अपन प्रिंट में क्या लिखवाएंगे? प्रिंट करेंगे तो अपन एल्स वाली कंडीशन को देखेंगे। एल्स में क्या लिखा हुआ है, यहां पर एल्स में लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, तो इसका आउटपुट जो बन रहा है आपका बन जाएगा गुड मॉर्निंग। ये पहला आंसर है। अब दोस्तों ये आंसर जो है ना, ये आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। ये मैंने किया है, ये बिल्कुल ऐसा आपको करना नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कई बार लड़कों ने ऐसा किया है और इस तरीके से आंसर को गलत किया है, इसलिए मैंने गलत तरीका, ये गलत तरीका है, इसको गलत है ये, ठीक है ना। सही तरीका कौन सा इसको करने का, ये यहाँ पे देखिए, इसी वजह से आपको गलती हो रही, बहुत सारे लड़कों ने गलती हुई, इसलिए मैं बता रहा हूँ उनका। चलो ठीक है, समझा दिया जाए एक बार तो आगे आपको दिक्कत ना हो। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको कंडीशन से पहले क्या करना है, कंडीशन से पहले आपको देखना है कि क्या चीज इंट में दी रही है, फिर उसके बाद ऑपरेटर का क्या रोल है। मैंने शुरू में कहा ये ऑपरेटर का क्वेश्चन है, तो जब ऑपरेटर का क्वेश्चन है तो कंडीशन में बाद में जाएंगे, पहले ऑपरेटर को कंसिडर कर लेते हैं किस प्रकार से ऑपरेटर काम कर रहा है। अब अगर आप यहां देखें, मैं इसको हटा देता हूं, ये आपने देख लिया होगा इसका जो प्रोग्राम का आउटपुट है। कंप्यूटर में भी करके सोल्व करके मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा किस प्रकार से ये हो रहा है, किस प्रकार से ये आंसर आउटपुट इसका गुड मॉर्निंग नहीं आ रहा। ये पहला आपने देख लिया किस प्रकार से हो। अब दूसरा जो तरीका है वो सही तरीका है। हुआ क्या कि यहां पर इंट बराबर दे रखा है अपने पास, इंट बराबर क्या दे रखा है ए में, ए बराबर 5 और बी बराबर 7 दे रखा है, ठीक है। अब कंडीशन दे रखी है अपन को इफ ए बराबर बी। अब यही थोड़ा लफड़ा हो जाता है दोस्तों, ये कंडीशन ए बराबर बी दे रखी है अपने पास, ए बराबर बी कर रखा है, तो उनको यहां पर देखना पड़ेगा अपन को,
ए बराबर बी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाया था, क्या होता है ए, ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी ए की वैल्यू बी में असाइन कर दो। यानी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 5, और बी की वैल्यू क्या है अपने पास 7। तो ए की वैल्यू बी में असाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, ठीक है नहीं है। जब ए बराबर 7 हो गया तो अपना जो है प्रिंट एफ क्या गुड इवनिंग हो रहा है और एल्स प्रिंट एफ गुड मॉर्निंग हो रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन लगी नहीं सकती जब ए बराबर 7 हो गया। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा ई डबल आर ओ आर, एरर यहाँ पर शो हो जाएगा। जब आप इसको रन कराएंगे इस प्रोग्राम का तो भी एरर जो है आउटपुट में न गुड मॉर्निंग आएगा न गुड इवनिंग आएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे लगी नहीं सकती जब। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ए की वैल्यू बी में असाइन होगी तो ये ऑपरेटर जो है उसके बाद ये प्रोग्राम रन हो ही नहीं सकता, इसका आंसर जो है एरर आपके पास आ जाएगी। इसका सही आंसर एरर है, गुड मॉर्निंग यहाँ पे प्रिंट में नहीं आएगा। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया, एक तरीका गलत था जो अधिकांश लोगों ने अप्लाई किया था, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट मिलते रहते हैं डेली आते हैं पढ़ने के लिए भी और जानकारी के लिए भी, तो सारे स्टूडेंटों का यही डाउट आ रहा था इसलिए चलिए गुड मॉर्निंग प्रिंट करा रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट देख ही नहीं देते, ए बराबर भी देखा कंडीशन बराबर करी नहीं हो रही डायरेक्ट उसमें आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ऑपरेटर को कंसिडर करना है और ऑपरेटर को कंसिडर करने के बाद आंसर निकालना है, इसी प्रकार की तैयारी करनी है। कुछ लोगों का क्वेश्चन है सर आप जैसे संगणक की भर्ती का आया है तो आप सूचना सर को भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत सारी भर्तियों की जानकारी होती है, बहुत सारी भर्तियों के बारे में हम यहाँ पे एजुकेशन करवाते हैं ऑनलाइनली, तो उस तरीके से टाइम थोड़ा कभी ज़्यादा कम देना पड़ता है, तो आज से हम सूचना सहायक पर ही कंसिडर करेंगे सारा टाइम, और अभी इसके बाद सूचना सहायक के पेपर के बारे में एक वीडियो आने वाला है, उसमें पूरा बता दिया जाएगा किस प्रकार से पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग का कितना सीन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, पेपर किस प्रकार से सोल्व करना है। यहाँ पे आपने देखा होगा संगणक में 70% अपना आएगा जो कंप्यूटर का आएगा, 30% में अपना पूरा आएगा, तो आपने देखा होगा ये जीके का जो पोर्शन है वो जीके ने राजस्थान का पूछा गया था संगणक में, न भारत का जो जीके था वो पूछा गया था, भारत का जीके का पोर्शन ज्यादा था, राजस्थान के जीके का पोर्शन बनिस्पत कम था, और जो करंट है और जो योजनाएं हैं राजस्थान की या भारत की उसके बारे में ज्यादा पूछा गया है, तो आपको उस प्रकार से बताया जाएगा किस प्रकार से आपको सूचना सहायक की आगे तैयारी करनी है और किस प्रकार से पेपर को सोल्व करना है, तो आप वो वीडियो देखना ना भूलें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ।